देश का हर युवा आज नौकरी के पीछे भाग रहा है और उसका सपना है कि पढ़ लिख करके नौकरी करे, घर चलाए। ऐसे में प्रकाश गुप्ता खुद प्रकाश रोशनी की एक मिसाल बने हैं और नौकरी को छोड़ करके वो कृषि को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि जो एक समय में हमारे देश की संस्कृति हुआ करती थी। आपको किस चीज ने प्रेरित किया कि कृषि को चुना जाए व्यवसाय के रूप में? प्रेरणा स्रोत अगर मैं कहूँ तो आज जो नौजवान, जो युवा पीढ़ी है और जिस तरह से नौकरी के पीछे भाग रही है, शिक्षित है और हर कोई चाहता है कि हम नौकरी करें, तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और मुझे भी नौकरी करने का ऑफर मिला, तो मुझे लगा कि नौकरी मेरी मंजिल नहीं है क्योंकि नौकरी करने के बाद मैं बंध जाऊँगा। ये जो फील्ड है एग्रीकल्चर का, इसमें बंधने का कोई वो नहीं है, मतलब इसकी कोई सीमाएं निर्धारित नहीं है, तो मैंने इस फील्ड को चुना। तो हर काम की जैसे कि चुनौतियां होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, कृषि में आप क्या चुनौती, क्या समस्याएं देखते हैं जिससे आप दो चार होते हैं? कृषि में जो मुख्य चुनौती है वो है इसका कोई समर्थन मूल्य तय नहीं है, तो उससे क्या होता है कि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर कभी रेट बहुत ज्यादा कम है, बहुत डाउन है, तो उस वक्त किसानों को नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, दिक्कत कभी कभी जितनी हमारे देश में आप सुन रहे होंगे कि आत्महत्या किसान कर रहे हैं, वो सिर्फ यही कारण है कि किसी भी चीज़ का समर्थन मूल्य तय नहीं है। इसका जो दलाल होते हैं वो ही मूल्य तय करते हैं, इसका कोई नियंत्रण नहीं है मूल्य पे सरकार का। मैं चाहता हूँ कि सरकार का भी इस पे नियंत्रण हो, जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमत सरकार तय करती है, उस तरह से किसानों द्वारा उत्पादन किया हुआ जो भी फसल है, जो उत्पादन है, उसका भी समर्थन मूल्य तय करे। तो प्रकाश, यदि कोई नौजवान युवा पीढ़ी हमारे इस कृषि व्यवसाय में आगे आना चाहती है और अपना सहयोग देश के विकास में देना चाहती, तो आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को? मैं उन्हें यह संदेश देना चाहूंगा कि पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आज बगैर पढ़ाई के आप अच्छी खेती भी नहीं कर सकते। तो उनको मेरा संदेश है कि उनके पास जो संसाधन उपलब्ध है, जो साधन उपलब्ध है, जो जिस जगह पे है, जितनी जमीन है, वहाँ से वो खेती का काम शुरू करें और इसमें वो खुद स्वामी हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा अनुरोध है युवाओं से कि कृषि को दोयम दर्जे का व्यवसाय ना समझें, कृषि में अधिकाधिक संख्या में आगे आए, देश की तरक्की में सहायक हों। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं सरवत नकवी, सरगुजा छत्तीसगढ़ से।